रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा किलो के करीब चिकन। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे मिक्सर जार में। दूसरे साइड हम लेंगे जार, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, अदरक का 1 इंच टुकड़ा, करीब 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरी धनिया, जिसको हम तो ज़्यादा नहीं लेंगे हरी धनिया, हम बिल्कुल थोड़े ही हरी धनिया का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, हम बिना पानी के इसे पीसेंगे। और यहाँ पे देखें, मैंने अपने चिकन को भी बिल्कुल बारीक पीस लिया था। ये बहुत ही आसानी से बारीक हो जाएगा। आप एक बार मिक्सर जार में घुमा देंगे, वो बहुत आसानी से वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपने मसाले जो मैंने अभी इसको पीसे हुए हैं। इसको ऐड कर देने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। उसके बाद ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पे हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर उसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, और उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पे 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेड क्रम्स ही ऐड करें, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक चॉप्ड किए हुए प्याज। प्याज याद रखें, हम बिल्कुल बारीक ही चॉप्ड करेंगे, मोटे मोटे नहीं कट करेंगे। बस इसको भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम अपने हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और फिर हम उसमें से अच्छे खासे अमाउंट में अपने चिकन को लेंगे और इसको हम गोल शेप देंगे। हाथों में हम तेल इसलिए ग्रीस करेंगे ताकि इसका शेप हम आसानी से बना सके, और उसके बाद हम अपने हाथों से इसको दबा लेंगे, जैसे कबाब होता है ना बिल्कुल वैसा ही इसका लुक देंगे। बस याद रखें कि हमें इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी रखनी है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा मोटा ही रहेगा, बहुत पतला नहीं। और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से लपेट लेंगे ताकि चारों तरफ हमारा ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी निकले नहीं। और ये देखिए, हमारी ये चिकन पेटीज बनके बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी पेटीज भी को भी बना लेते हैं अपने। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ढेर सारे अपने चिकन के पेटीज बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी करीब 9-10 पेटीज बिल्कुल तैयार हो गए। बस हम इसे अब करेंगे गर्मा गर्म तेल में फ्राई। तो यहाँ पे मैंने अपने तेल को अच्छे से हीट कर लिया है। हम अपनी गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके हम अपने पेटीज ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 3 कप पेटीज ऐड कर रही हूँ। और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर करेंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। करीब गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, जितना बड़ा हमने बनाया था उससे थोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए आप इसका साइज थोड़ा बड़ा ही रखें। बस हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और ये देखिए, देखने में कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है। यहाँ पर मैंने बाकी पेटीज अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको फ्राई होने में करीब 7 से 8 मिनट लगते हैं। और ये देखें, मैंने यहाँ पे अपने बाकी कबाब को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और आपको जब भी इस रेसिपी को बनाकर खाने का मन करे आप बना के खा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मेन प्रोसेस की तरफ। और ये देखें, देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप समझ गए कि हम बर्गर बना रहे हैं। तो बस उसके लिए हम लेंगे अपना बन। यहाँ पे बन को हम बीच से कट कर लेंगे चाकू की हेल्प से अच्छे से। और उसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन पे डालेंगे थोड़ा सा घी। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और अपने घी जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम अपने बन को अच्छे से सेक लेंगे।
और ये देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है। उसके बाद हम अपने बन को अच्छे से सेक लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारी ये बन सिक गया है। बस हम अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए बस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बन पे, नीचे वाले बन पे मैं लगा रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी में मैंने यहाँ पे करीब 4 से 5 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और धनिया पत्ती और नमक से बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। दूसरे बन पे मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप, जिससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मेयोनीज, यहाँ पे मैं 1 ग्लास मेयोनीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम वेजिटेबल्स में यहाँ पे मैं रख रही हूँ पत्ता गोभी और उसके ऊपर स्लाइस टमाटर के। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं उस पर ऐड कर रही हूँ प्याज के स्लाइसेस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसी के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। और उसके बाद हमने जो अपना अभी कट चिकन पेटीज बनाया है उसको ऐड कर देंगे, और उसके ऊपर से भी थोड़ी सी मेयोनीज। और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम अपने इस ऊपर वाले बन को ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा बर्गर बन के बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।